स्कोर पॉइंट मिला, 5-4 का स्कोर। ये देखिए बहुत जबरदस्त सर्विस, बड़ी खतरनाक हो रही है हरिपुरा की तरफ से। 10 नंबर की जर्सी में बड़ी शानदार उतनी अच्छी सप्लाई दे देने के फूटा है, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। और इस तरह से एक पॉइंट और मिला, 6-4 का स्कोर। डुमरिया और हरिद्वार के दरमियान मैच खेला जा रहा है। और आज के अंपायर जो नियुक्त किए गए रामजीत और नौशाद अहमद, नौशाद अहमद साहब दोनों अंपायर जो नियुक्त किए गए ऑफिशियल अंपायर है, बड़े अनुभवी अंपायर। एक बार बड़े छोटे से रेस पे ये देखिए ग्राउंड बॉल, और इस तरह से पॉइंट और मिला, 7-4 का स्कोर। 7-4 का स्कोर, दर्शक इस वक्त परवाई के स्कूल में खचाखच भरे हुए, ये मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अच्छी सर्विस रही और इस तरह से राइट बॉल, कोई मौका नहीं मिला। देवरिया को गेंद उठाने को सर्विस लेने का, इस तरह से पॉइंट बढ़ता जा रहा है लगातार पॉइंट। 8-4 का स्कोर जो आप देख रहे हैं, और इस तरह से देवरिया की तरफ से पहला टाइम आउट लिया गया है। और अभी जो आप देख रहे हैं आज ये मैच का दूसरा दिन है, पर बहुत ही खूबसूरत मैच आप देख रहे हैं देवरिया और हरिपुरा के दरमियान। और एक मरतबा टाइम आउट जो समाप्त हुआ, अंपायर महोदय का फिसल का इंतजार, कैलाश भाई बिल्कुल लगे हुए हैं। और इस तरह से वही बाल देखिए, फिर एक पॉइंट लेने में कामयाब होगा हरिपुरा, सर्विस से लगातार पॉइंट बन रहा है, सर्विस से सर्विस उठाने का कोई मौका नहीं मिला है। 9-4 का स्कोर, 9-4 का स्कोर, हरिपुरा की तरफ से सर्विस होनी है। अंपायर महोदय का फिसल में फंसी और इस तरह से एक पॉइंट मिल गया डोवरिया को। 5-9 का स्कोर, हमारे इफ्तिखार भाई कमेंटेटर जो इस वक्त चाय का लुत्फ ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उनकी भी कमेंट्री आपको सुननी है। ये देखे नेट पे चले लंबे तक के, और इस तरह से पकड़ लिए गए नेट, एक पॉइंट लेने में कामयाब हो गए हरिपुरा। 10-5 का स्कोर, 5 पॉइंट से हरिपुरा आगे चल रही है, 5 पॉइंट से। और इस तरह से पॉइंट आउट लेने में कामयाब हो गई 11-5 का स्कोर, 11-5 का स्कोर जो आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से मैच खेला जा रहा है, प्रभावित किया स्कूल का, आज ये मैच माहौल बनाते हैं। ये मैच जो आप बहुत सुंदर तरीके से चला रहा है, बहुत बेहतरीन सर्विस, उतनी अच्छी सप्लाई नहीं बन सकी, लेकिन देख मत हरिपुरा के फील्ड में है छोटे से रेस में, लेकिन 22 साइड से ये देखिए इतना अच्छा डिफेंस, कोई मौका नहीं मिला। भी देखिए और इस तरह से हरिपुरा एक पॉइंट लेने में और कामयाब, 12-5 का स्कोर। काफी समय से जो देवरिया का पॉइंट नहीं बन रहा है, 12-5 का स्कोर, हरिपुरा 12 देवरिया 5। और इस तरह से काफी आउट बॉल, आउट से एक पॉइंट मिला देवरिया को, इशारा हुआ और इस तरह से नेट पे चढ़े, टच आउट कराने में कामयाब हरिपुरा, बड़े खूबसूरती से टच आउट कराते हैं। और इस तरह से 13-6 का स्कोर है, 13-6 हरिपुरा, 13 देवरिया, 6 हरिपुरा की तरफ से भी सर्विस होनी है, बड़ी शानदार सर्विस, अच्छी सप्लाई बैक साइड से। ये देखिए दो बलाकों को चूरता हुआ जो हरिपुरा के फील्ड में गिरा, और एक पॉइंट लेने में कामयाब होते देवरिया। 7-13 का स्कोर, देवरिया 7 है इस वक्त, देवरिया की तरफ से अच्छी सप्लाई, और एक छोटे से रेंज पे, और इस तरह से आउट बॉल, एक पॉइंट मिला देवरिया को। 8-13 का स्कोर, एक बंदा फिर बैक साइड से बहुत शानदार 10 नंबर के जर्सी में 14 देवरिया, विद्यालय के प्रबंधक था श्रीकांत पांडे जी, जो काफी समय से और इस तरह से 9-14 का स्कोर चल रहा है, एक पॉइंट मिला हरिपुरा को, 15-9। मैं इसी के साथ चाहूंगा हमारे इंतकार खान साहब से कि भाई आगे की कार्रवाई जारी रखें।
और अगला जो मैच खेला जाएगा देवलास मऊ वर्सेस बलिया, दोनों टीमें अपने आप को कंडीशन में रखे हैं। देवलास वर्सेस बलिया दोनों टीमें अपने आप को कंडीशन में रखे हैं। इस मैच के बाद तुरंत उनका मैच खेला जाएगा। एक बार और मैं कैप्टन देवलास, कैप्टन बस पहुंच रही हो तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने आप को कंडीशन में रखें। इस मैच के तुरंत बाद दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। और इस मैच में करीब करीब हरिपड़ा की टीम जो कि लंबा ग्रिप ले चुकी है यहाँ पर और बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को हरिपुरा के ग्राउंड में काउंट किया है बाल को देवरिया के खिलाड़ी। देवरिया अगले साल की यह तीनों टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपस में तालमेल की कमी और उसको कहीं ना कहीं अभी देवरिया की टीम वापस करेगी, वापसी करने में माहिर है देवरिया की टीम। 18-11 के स्कोर पर सेवा दे रही है इस वक्त हरिपुरा, थोड़ी सी सप्लाई मिस कर रही है, उसका खामियाजा देवरिया को भुगतना पड़ रहा है और हल्का सा ट्रैप लेकर के बाल को एक पॉइंट लिया है वहां पर देवरिया के खिलाड़ी ने 12 और 18 के स्कोर पर। अच्छी सर्विस, बेहतरीन से मौका है यहां पर और सुंदर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वही ब्लॉक पकड़ लिए गए वो और सेकेंड बाल को फिर वो देवरिया के कोर्ट में डाउन कर गए। एक पॉइंट लिया है 19-12 के स्कोर पर। बहुत सुंदर ड्रॉप, कोई मौका नहीं था लेकिन वहां पर बाल ड्रॉप होने से बची और सुंदर परमानंद यादव की शॉट। ये देवरिया का ये नौजवान, ये उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी कहीं ना कहीं, लेकिन ये इसी बीच ये देवरिया खिलाड़ी बाल को आउट मार बैठे। मौलाना बाबू साहब कमेंट्री आप जारी रखे हैं और इस तरह से हरिद्वार 20-12 का स्कोर जो देख रहे हैं। बहुत अच्छी सर्विस चले जाने नेट पे चढ़े, ये देखिए एक बड़ा मौका था बैक साइड से लेकिन अच्छा ब्लॉक हुआ पकड़ा गया और इस तरह से एक पॉइंट मिला देवरिया को। देवरिया 13-20 का स्कोर। मैं बता दूं कि इससे पहले इसी ग्राउंड पे पिछले साल देवरिया ने फाइनल मैच जीत कर लेकर गए लेकिन आज जिस हिसाब से मैच हो रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी फील्ड पे पिछले साल देवरिया फाइनल लेकर गए, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हरिद्वार 21-13 का स्कोर है, लंबा टारगेट बन चुका है पॉइंट का। ये देखिए एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए देवरिया 14-21। देवरिया की तरफ से सर्विस और इस तरह से विजय बहुत अच्छा ब्लॉक रहा और एक मतलब फिर बैक साइड से ये देखिए नेट पर 90 खिलाड़ी खड़े खड़े गेंद को मारना चाह रहे थे। इस पर से एक पॉइंट मिला हरिद्वार को 22-14 का स्कोर। हरिद्वार की तरफ से सर्विस, अच्छी सर्विस उतनी अच्छी सप्लाई और बिल्कुल हल्के से लंबे करके खिलाड़ी बिल्कुल हल्के से छोटे से रेट पे गेंद को दबा दिया खड़े खड़े और एक पॉइंट देवरिया लेने में कामयाब हो गए। बाई देवरिया की तरफ से सर्विस और हल्की से गेंद को कब्जे भी किया और इस तरह से पॉइंट लेने में कामयाब हुआ हरिद्वार 23-15 का स्कोर। अच्छी सर्विस रही और इस तरह से बैक साइड से एक तरह से देवरिया की तरफ से एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए 16-23। मैंने पहले बताया देवरिया वो सलाहियत रखती है, उनके अंदर वो क्वालिटी है कि अगर चाहे तो मैच को किसी तरह अपने काबू में कर सकते हैं। बहुत शानदार, ये देखिए माइनस बॉल पर गेंद को मारकर एक पॉइंट लेने में और कामयाब हुए देवरिया। देवरिया का पॉइंट इस वक्त बढ़ता हुआ 17-23 का पीछा करते हुए देवरिया और इस तरह से एक मतलब नेट में बैक साइड से अच्छा दबाव रहा देवरिया की तरफ से, ये एक पॉइंट और देवरिया को मिला। और इस तरह से 24-18
लास्ट बार ये मतलब पिछले लेने पर ये देखिए ये कला है चोरिया को पॉइंट लेने का 19-24 बहुत शानदार और लंबे कद के खिलाड़ी रंजीत कुमार का राधे जी अपने पक्ष में इस तरह से पहला राउंड 25 और 19 से हरिपरा